दोस्तों, वैसे तो साल 2022 में काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जिन्होंने उम्मीद से दुगना या फिर 10 गुना ज़्यादा कलेक्शन किया, और इन्हीं फिल्मों में शामिल थी एक फिल्म जिसका नाम था बिंबिसारा। कल्याण राम स्टारर इस फिल्म का बजट 40 करोड़ का था, बट फिर भी इसके थिएटरिकल राइट्स केवल 15 करोड़ में बिके, यानी कि 50% से भी कम, जिसके सामने इस फिल्म ने लाइफ टाइम 38 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कमा के दिया, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। बट क्या आपको पता है कि ये फिल्म सबसे पहले राम पोदीनेनी को ऑफर की गई थी, बट उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और वहीं इसी साल 2022 में रिलीज हुई उनकी फिल्म द वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर एक एपिक डिजास्टर साबित हुई, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुआ पूरे 17 करोड़ का नुकसान। वैसे बिंबिसारा के रोल में राम पोदीनेनी आपको कैसे लगते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।